हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो जो मेरे साथ हुआ, हो सकता है कि आपके साथ हुआ होगा या कभी हो सकता है कि कभी होगा, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि अगर मैं कभी होगा तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आया करते हैं। अगर मैं हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे वीडियो देखना है तो आप जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे एक लिंक दिए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सारा वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम बता दें कि आप अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं और कभी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो अभी मेरे देखिए 12 अक्टूबर 2018 को मैंने शाम को पैसा ट्रांसफ़र किए, और जो कि 42,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए दूसरे अकाउंट में, जो कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक है उसमें मैंने ट्रांसफ़र किए, और शाम को किए थे उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, और ये हम SBI एनीवेयर से किए थे। और अक्सर 2-3 बार मेरे साथ हुआ है, मगर बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो उन लोग जाते हैं ब्रांच में, जाने के बाद बैंक वाला उन लोगों को दौड़ाता है, मतलब आपको क्या करना है इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा जब टेक्निकल प्रॉब्लम आया ना, तो आप देख सकते हैं जो हमारे आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं, जब मैंने 12 अक्टूबर को पैसा शाम को ट्रांसफ़र किया तो मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, पर जिस अकाउंट में हम पंजाब नेशनल बैंक में भेज रहे थे उस अकाउंट में नहीं गया। ठीक है, आप जिस अकाउंट में आओगे, में कभी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से किसी अदर के बैंक में, मतलब SBI हो या PNB या कर्नाटका जो भी है, किसी में भी आप भेजते हैं और ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसको जो भी है मैंने जो किया, तो हमारा अकाउंट से जो पैसा तो कट गया था मगर पैसा नहीं गया। इसके लिए मैं क्या किया कि मैं 24 घंटे के बाद कस्टमर केयर में कॉल किया। अरे मैं बता दूं कि अगर मैं उस अकाउंट में नहीं जाता है और आप अगर मैं आपको रिटर्न आपके अकाउंट में नहीं आता है तो आपको 24 घंटे तक इंतज़ार करना है, मतलब आपको वेट करना है। जब आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ना, उससे 24 घंटे आपको इंतज़ार करना है, 24 घंटे तक देखना है कि क्या हमारा पैसा रिटर्न आता है या नहीं आता है। अगर मैं नहीं आता है तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है, और कस्टमर केयर में कॉल करके उनको शिकायत दर्ज करानी है कि हमने देखिए IMPS से, NFT से, RTGS से पैसा ट्रांसफ़र किए थे और हमारे में एरर आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो बोलेंगे ठीक है, आपका कितने घंटे हुए, तो वो जरूर पूछेंगे कि आपका कितने घंटे हुए, कब हुए। तो अगर मैं 24 घंटे के अंदर कॉल करते हैं तो बोलेंगे नहीं, आप 24 घंटे की बात कॉल कीजिए और हम उसका शिकायत ले लेंगे, मगर 24 घंटे तक आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है पैसा वापस आ जाए। तो आप लोग भी देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है, 24 घंटे तक आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा नहीं है कि टेंशन में मत पड़िए, क्योंकि पैसा एक भी रुपया आपका इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जब आपका 24 घंटे के बाद नहीं आता है, 24 घंटे तक इंतज़ार करते हैं नहीं आता है, तो उसके बाद कस्टमर केयर में कॉल करना है और उनसे अपनी शिकायत को दर्ज कराना है कि देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ और हमारे अकाउंट में पैसा ना ही रिटर्न आया ना ही उस अकाउंट में गया। तो वो क्या करेंगे, एक कंप्लेन दर्ज करेंगे और उस कंप्लेन को वो अपने टीम के पास भेजेंगे। ये नहीं है कि तुरंत आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं, वो आपको 10 दिन का मोहलत देंगे, बोलेंगे कि आप 10 दिन तक इंतज़ार कीजिए, अगर मैं ऐसा हुआ है तो आप 10 दिन तक इंतज़ार कीजिए, और वो आपको कंप्लेन दर्ज कर लेंगे, आपको एक टिकट नंबर देंगे, उस टिकट नंबर से आपको क्या करना है, जब वो टिकट नंबर देंगे ना, तो जब कंप्लेन कर देंगे उसके बाद 2 दिन के बाद कस्टमर केयर में कॉल करके उस कोई भी कस्टमर केयर वाला, वो तो बदल कस्टमर केयर वाला में बात करते हैं, तो उस टिकट नंबर को देंगे, तो टिकट नंबर जैसे ही देंगे ना, तो कस्टमर वाला जान जाएगा कि आप इस कंप्लेन किए थे और आपका स्टेटस कहाँ तक है। तो देखिए, जो भी है, हमने जब हमारा 24 घंटा पूरा हो गया, तो 24 घंटे के पूरा होने के बाद मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया और मैंने उनको शिकायत दर्ज की, तो उन्होंने हमको एक टिकट नंबर दिए और वो टिकट नंबर आपको भी देंगे जब आपको ऐसा होता है 24 घंटे के अंदर नहीं आता है तो, और हो सकता है 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट में पैसा आ जाए, मगर मेरा अकाउंट में 4 दिन के बाद आया, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो प्लीज़ आप एक टेंशन मत लीजिएगा अगर मैं आपका 1 रुपया भी इधर उधर नहीं SBI कर नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा तो 42,000 रुपये इधर उधर हुआ था, होने वाला था, मगर मेरे को टेंशन नहीं था क्योंकि मैंने इससे भी पहले ऐसे हुआ था, तो मेरा पैसा इसे ही रिटर्न आ गया। और 10 दिन के अंदर ये होता है ये आपको अकाउंट में भेज देते हैं, मतलब आप जिस अकाउंट से भेजे रहेंगे, आप इंटरनेट बैंकिंग जो खोलें उसी अकाउंट में आता है। ये नहीं है कि जो बंदे के अकाउंट भेजे हैं तो 1% है कि उस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा प्रॉब्लम आता है तो 1% है कि उस अकाउंट में जाएगा, आप कंप्लेन दर्ज करा देते हैं तो, और 99% है कि आपके अकाउंट में आ जाएगा दोबारा रिटर्न। तो आप इस तरह
अपना जो भी है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। हम बता दें कि बहुत से लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं मगर टेंशन में पड़ जाते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये तो बैंक है और बैंक अपने पूरा जांच पड़ताल करेगी कि आप क्या किए थे, क्यों प्रॉब्लम आया था। तो लोग जो भी उनका टीम है, जैसे NFT का टीम अलग होता है, RTGS का अलग होता है, MPS का टीम अलग होता है, तो कस्टमर वाले तुरंत नहीं करते हैं, कस्टमर वाले बस कंप्लेन दर्ज करते हैं और वो अपनी टीम के पास भेजते हैं, जो कि उनका टीम MPS का अलग होता है, NFT का, RTGS का अलग होता है, और उन लोग देखते हैं कि आपके में एक प्रॉब्लम क्यों आया था, कब आया था और क्यों नहीं आया था। तो आप लोग को पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जितना भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीडियो देखना है कि पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं, ATM मशीन से पैसा कैसे निकालते हैं, बिना ATM कार्ड से, बिना ATM कार्ड से पैसे को कैसे निकालते हैं ATM मशीन से, वो सारा वीडियो हमारा इस चैनल पे है। तो और हम इस चैनल पे सारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सारा वीडियो लेके आया करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तो जय हिंद, जय भारत।